एक बार बनाए और पूरी नवरात्रि तक 9 दिन तक खाए। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है तो मैंने कहा चलो उसके लिए एक रेसिपी पहले से तैयार कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए व्रत के लिए खास क्रिस्पी और स्वादिष्ट साबूदाने के नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है और कितना कुरकुरा है। यदि आपके साबूदाने अंदर से कड़क रह जाते हैं या फ्राई होते हैं और बाद में जाकर सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। जय जिनेंद्र, मैं अंकिता जैन अंकिता की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने इस रेसिपी को बनाया तो मेरा बहुत मन था कि मैं इसे टेस्ट करके देखूं कि इसका सब फ्लेवर प्रॉपर है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बना था। चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए ना मैंने मोटा वाला साबूदाना लिया है। फ्रेंड्स, साबूदाने मार्केट में 3 टाइप के मिलते हैं। एक ये तलने वाला आता है और खिचड़ी के 2 आते हैं। एक थोड़ा मोटा रहता है और एक एकदम बारीक रहता है। फ्रेंड्स, जो तेल गरम है उसमें मैंने साबूदाने को डाल दिया है। इसे देखिएगा फ्रेंड्स, ये कभी कभी साबूदाना क्या में नमी होती है तो जिसके कारण है ना ये कभी कभी तेल में फट जाता है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि ये फटने वाला है तो आप ऐसे थाली को कढ़ाई के ऊपर ढक दें और उसके अंदर उसको तलने दें। इससे है ना आपका साबूदाना अगर फटेगा तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा। इसके बाद हम धीरे से थाली को उठाएंगे, फिर इसे उलट पलट करके चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये साबूदाना देखो फूल के डबल हो गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसे साइड में रख के फिर मूंगफली दाना लिया है मैंने आधा कटोरी, करीब 25 ग्राम है। फ्रेंड्स, इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। आपको जो साबूदाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप साबूदाने की क्वांटिटी ज़्यादा करिए, मूंगफली दाना अच्छा लगता है तो मूंगफली दाने की करिए। फ्रेंड्स, मूंगफली दाना बहुत जल्दी तल जाता है, इसका कलर चेंज होने लगता है और इसके कारण अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ तल लेंगे ना फ्रेंड्स तो इसमें ना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कलर चेंज हो रहा है और पर ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो सके और जले भी ना। ना मूंगफली दाना तलने के लिए हमें 2 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मूंगफली दाना हो गया है, अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ है अगर आप अच्छे से तेल निथरा नहीं पाते हैं तो इनको टिश्यू पेपर में या पेपर में फैला दे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो निकल जाता है। इसके बाद मैंने 8 से 10 बादाम के 2-2 पीस कर लिए थे। फ्रेंड्स, इसको भी मैं ना डीप फ्राई कर लूँगी। बादाम को तलने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा इसे तलना नहीं है, इसका कलर हल्का सा चेंज होगा और आप इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैंने ना लिया है कच्चा केला। फ्रेंड्स, ये जो नमकीन है इसमें आप आलू का यूज़ कर सकते हैं बट मैं इसे कच्चे केले के साथ बना रही हूँ। तो मैंने इस कच्चे केले को अच्छे से छील लिया है और एक एक ग्रेटर लिया है। इससे बस इसे मैं डायरेक्ट कढ़ाई पे ही किसूंगी। फ्रेंड्स, इसका नमकीन बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, एक मैंने सिर्फ कच्चे केले का नमकीन भी बनाया है। इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरा केले को किस लिया है। आपके पास जितना ऑयल है उसके हिसाब से आप उसको केले को किसे आधा या पूरा भी, बस ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसे पलटूंगी और 2-3 बार पलटूंगी और इसका एक बेज बनने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। फ्रेंड्स, और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये लच्छे भी तैयार हो गए हैं केले के। आप केले की जगह से आलू के लच्छों का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने साबूदाना और मूँगफली को एक साथ ले लिया है। इसके बाद जो मैंने बादाम को डीप फ्राई करा था वो लिया है और जो मैंने केले के लच्छे बनाए थे ना ये फ्रेंड्स देखिए कितने क्रिस्पी बने, एकदम कुरकुरे, ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं इसमें कुछ टेस्ट के लिए मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच करीब स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और करीब 1/2 चम्मच डालूँगी पिसी हुई शक्कर और 1/4 चम्मच डालूँगी काली मिर्ची का पिसा हुआ पाउडर और चुटकी भर डालूंगी इसमें अमचूर पाउडर ताकि इस नमकीन में तीखा मीठा खट्टा सारा टेस्ट आ सके। फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और आप चाहें फ्रेंड्स तो इसमें सूखे नारियल की बारीक बारीक कटिंग करके उसको डीप फ्राई करके डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसमें मीठा नीम और हरी मिर्ची भी ऐड करना चाहें तो उसे तल के इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा नमकीन बन के तैयार हो गया है।
फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगती है आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड जो मैंने कच्चे केले का यूज़ किया है इसके लिए आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप बस बताई गई सारी टिप को फॉलो करेंगी ना फ्रेंड्स, तो आपका नमकीन एकदम मार्केट स्टाइल में बन के तैयार हो सकता है और आप इसे अपने घर में भी बना के रख सकते हैं, 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। जय जिन